हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक भटनागर और आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे एक बहुत ही बेहतरीन क्लब सैंडविच। बहुत सारी रिक्वेस्ट, बहुत सारी डिमांड के बाद आज बारी आई है क्लब सैंडविच की। और सबसे पहले रिक्वेस्ट आई थी क्लब सैंडविच की मेरे एक स्कूल फ्रेंड मिस्टर गुरप्रीत सिंह की। उन्होंने कहा यार हमने जो घर पर बनाया वो तो कुछ समझ से नहीं आया, पसंद ही नहीं आया किसी को, कुछ भी बन गया क्लब सैंडविच। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो क्लब सैंडविच के ऊपर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लब सैंडविच। एंड प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर माय चैनल। सब्सक्राइब करना बंद कर दिया यार आप लोगों ने, क्या बात है। प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जितना हो सकता है उतना शेयर करिए। चलो शुरू करते हैं, कम ऑन। तो गाइस सबसे पहले आई एम गोना इंट्रोड्यूस विद आवर इंग्रेडिएंट्स। ये मेरे पास वाइट ब्रेड है जंबो, इसके मैंने इसको ऐसे ट्रायंगल में हाफ कट कर लिया और इसके साइड के कॉर्नर्स भी रिमूव कर दिए हैं। और ये हमारे पास है ऑलिव ऑयल, इसके हम कोटिंग करेंगे। मोज़रेला चीज़, ये हमारे पास बटर है। और चीज़ स्लाइस, ये हमने एक ड्रेसिंग बनाई है थोड़ी सी, मतलब 2 टेबलस्पून म्यूनीज के अंदर 1 टेबलस्पून पास्ता सॉस। आप चाहें तो केचप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ वेजिटेबल्स आपका परिचय करवाते हैं जिसमें हम डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास है फ्रेश आइसबर्ग लेटस, ग्रीन कैप्सिकम, ग्रिल्ड सॉटेड मशरूम, यानी मशरूम को मैंने पैन में पका लिया है, उसमें चिली फ्लेक्स और ऑरिगैनो भी डाल दिए, सॉल्ट भी। ये रिंग्स हैं हमारे पास अनियन के और यहाँ पे टमाटो। तो चलिए सबसे पहले स्टेप शुरू करते हैं क्लब सैंडविच का। सो यहाँ पे एक मैंने 3 ब्रेड स्लाइसेस लिए हैं। अब इस पर इसके ऊपर ऊपर और नीचे नीचे हम लोग ऑलिव ऑयल से ग्रीस कर देंगे इसको अच्छे से, सिर्फ ऊपर और नीचे, नॉट इन द मिडल वन। अब बारी है जो मैं यहाँ पे ड्रेसिंग बनाई थी मेयोनीज और पास्ता सॉस की, उसको अच्छे से इवनली ब्रेड स्लाइस पे स्प्रेड करने की। और ये मैं सिर्फ सारी ब्रेड स्लाइसेस पे करूँगा, एक एक साइड पे, नॉट ऑन बोथ द साइड, जस्ट ऑन सिंगल साइड। सो गाइस अब बारी है यहाँ पे वेजिटेबल स्प्रेड करने की। और कोशिश करिए कि वेजिटेबल आपकी थोड़ी थोड़ी बाहर भी लटकें, क्योंकि बाहर से अगर ये दिखेंगे ऐसे लटके तो अच्छी लगेंगी। सो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया है फ्रेश लेटस, आइसबर्ग लेटस, और इसके ऊपर मैं डाल रहा हूँ कुछ रिंग्स अनियन के, प्याज के। इफ यू डोंट लाइक अनियन और यू आर जैन पर्सन, सो यू कैन ईजिली स्किप इट। और इसकी बेस लेयर पे मैं लेटस, अनियन और ये मोज़रेला चीज़ ये लगाऊंगा, और ऊपर की लेयर पे बाकी वेजिटेबल। ये आ गई इसके ऊपर दूसरी लेयर। अब इस लेयर पे भी हम थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे हमारी स्प्रेडिंग। इट्स अ काइंड ऑफ 1000 आइलैंड ड्रेसिंग। अगर हम टमाटो केचप में म्यूनीज कंबाइन करें तो ये 1000 आइलैंड नाम की एक ड्रेसिंग बनती है। आई हैव अपने से कई में आपने सुनी भी होगी। अब इसके ऊपर हम डाल रहे हैं टमाटो, जैसे कि मैंने कहा थोड़ा सा इसको बाहर हमें हैंगिंग से दिखाने में बाहर दिखनी चाहिए आपकी वेजिटेबल्स। और ये ऊपर आ गई हमारी सॉटेड मशरूम्स। इफ़ यू आर एलर्जिक टू मशरूम्स प्लीज़ डोंट इवन एड इट, मत डालिएगा, फिर आप कहेंगे अभिषेक ने बताया नहीं। रुक जा इसको। और कैप्सिकम के बाद इसके ऊपर यहाँ मैं डाल रहा हूँ ट्रायंगुलर शीट्स ऑफ चीज, देयर वी गो। और अब पा रही है फाइनल लेयर की। सो दिस इज़ अ बेसिक बॉडी ऑफ एवरी क्लब सैंडविच, सो कुछ इस तरह से दिखना चाहिए। और अब इसे हम डाल देंगे टोस्टर में ग्रिल होने के लिए। सो सेम उसी तरह से जब तक हमारा एक सैंडविच ग्रिल हो रहा है हम दूसरा भी तैयार कर लेते हैं। एक बार मैं फिर आपको दिखा देता हूँ कि व्हाट इज़ द बेसिक असेंबली स्ट्रक्चर ऑफ एनी क्लब सैंडविच। तो सबसे पहले इसके सेंटर पीस में हम लोग ये स्प्रेड यानी ड्रेसिंग वो अप्लाई करेंगे। और 2 पे मैंने इसके ऑयल वॉल डाल दिया, तो उसको पलट के दूसरी साइड पे, जैसे कि मैंने बताया अगर आपको और इसके अंदर जूसीनेस चाहिए तो आप दोनों साइड भी लगा सकते हैं। यू कैन स्किप द ऑलिव ऑयल और यू कैन ऐड द ऑलिव ऑयल और आप ड्रेसिंग दोनों लगा सकते हैं। क्लब सैंडविच यार जैसा आपको लगता है वैसा बनाओ, आफ्टर ऑल इट्स योर किचन। सो सबसे पहली लेयर यहाँ लेटेस की यहाँ पर लग गई। अब बारी है
किसी भी वाला आप कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहला सैंडविच बनाया था सिकी प्रोसीजर से, उसी को फॉलो करते हुए दिमाग में रखते हुए बना रहा हूँ। अनियन रिंग्स अलॉन्ग विथ सम मोज़रेला, गए हमारे टमाटर राजा जी, इनको लगा दिए हमने, एंड सम मशरूम्स। यहाँ पे थोड़ी सी वेरिएशन में डाल रहा हूँ कि ऊपर भी इसके लेटस लगा रहा हूँ, जो कि मैंने पिछले सैंडविच में नहीं करी थी। और ये अभी इसके ऊपर फाइनल लेयर, यहाँ पे ग्रिल होके हमारा सैंडविच आ गया। अब इसके एजेस को हमने ऐसे पकड़ना है और इसके ऊपर विल स्प्रिंकल सम ओरिगानो। सो गाइस, यहाँ पे टोस्टर से मैंने तीनों सैंडविच निकाल लिए और वो कट कर दिए, और इस तरह से मैंने कैप्सिकम को ये वुडन स्टिक्स में पियर्स करके अब इसके ऊपर हम ऐसे लगा देंगे, ताकि हमारा सैंडविच जो है क्लब सैंडविच स्टेबल रहे। और इसको हम सर्व करेंगे कुछ पोटैटो सॉल्टेड वेफर्स के साथ, यानी देसी भाषा में बोले तो पोटैटो चिप्स। और इसके ऊपर विल गोना स्प्रिंकल सम ओरिगानो। सो ये हमारे पोटैटो हर्ब चिप्स या वेफर्स हो गए।